तो शीट नंबर 34 में पहला क्वेश्चन है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रो फेरेड इज चार्ज, इससे ज्यादा क्लियर क्या बोलेगा, वो चार्ज कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो फॉर्मूला एक आता है हमें, ये रहा पता लग गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाय कनेक्टिंग ई एम एफ, ई पता है, सी पता है, इंटरनल आर भी पता है, आर सी सर्किट हो गया ये, फाइंड टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ दिस सर्किट। देखो तो नीट टाइप क्वेश्चन है, आर और सी को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, चलो आर और सी आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड टाइम टेकन बिफोर 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, कि 99% चार्ज स्टोर करने में कितना समय लगा, तो क्यू नॉट क्या होता है, सी इंटू ई, और चार्ज कितना स्टोर करना है, 99% ऑफ सी इंटू ई, सी इंटू ई, सी इंटू ई, कैंसल। फिर मैथ वाले अपनी मैथ की ट्रिक लगाएंगे, मैथ वालों को याद करेंगे, एक्सपोनेंट लॉग करेंगे, उसका आंसर आएगा। लॉग टेबल नहीं चाहिए आपको, आपके आंसर एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही या लॉग की फॉर्म में ही गिवन होंगे, हालांकि ये न्यूमेरिकल मैंने कैलकुलेटर से किए हुए हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जो भी यहाँ से टाइम लॉग की फॉर्म में निकालना चाहें निकाल सकते हैं, आपको मैथ के लोग टीचर सिखा देंगे, एक्सपोनेंट शायद सिखाया होगा, ई और लॉग को कैसे नहीं सिखाया, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, एक्सपोनेंट लॉग नहीं, हाँ तो ठीक है ना, एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे करना है, लॉग को एक्सपोनेंट में, तो बोल देना एक बार सिखा देंगे, तो हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। ठीक, नेक्स्ट है, प्लेट्स 50 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, चलो मैं इतना तो सिखा सकता हूँ, आपको सिखाऊँ मैं, टेंशन में रहना, लॉग की एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, उतनी तो बता ही दूँ, लॉग की एक प्रॉपर्टी इसमें खास यही यूज़ हो रही है और कोई यूज़ नहीं हो रही, कि अगर आपके पास लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस वाई हो और आंसर मान लो पी लिखा हुआ है और आपको एक्स निकालना है, तो एक्स विल बी इक्वल टू जो भी ये बेस है वो यहाँ आ जाएगा और ये पी इसके ऊपर आ जाएगा, ये क्वेश्चन है बस, और कोई तरीका नहीं है लॉग को एक्सपोनेंट कन्वर्ट करने का। जैसे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि लॉग ऑफ मान लो एक्स टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 रेज टू पावर 5, और उल्टा भी ट्रू है, आप लॉग से आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उल्टा भी तो ट्रू है, तो क्या ये पॉइंट, बस मैथ वाले इसी प्रॉपर्टी को तो यूज करना सिखाते हैं, वो एक शीट देंगे जिसमें आप फटाफट फटाफट ई और लॉग लॉग एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे, बस इतनी सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस चाहिए, चलो हो जाएगी। प्लेट्स 50 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 माइक्रो कूलम, का मतलब वो तो ऑलरेडी चार्ज है, वो तो चार्ज ही है, आर कनेक्टेड थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, तो आपको क्या गिवन है, सी पता है, आर पता है, तो टाइम कॉन्स्टेंट तो निकाल ही सकते हो, टाइम कॉन्स्टेंट आ गया, फाइंड द चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर 1 सेकेंड कनेक्शन इज मेड, कौन सा कनेक्शन, कैपेसिटर की प्लेट में आपने उनको जोड़ दिया ये कनेक्शन, ताकि कैपेसिटर क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, बिना बैटरी के डिस्चार्ज हो जाए, तो डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा, टाइम की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 सेकेंड पे डिस्चार्जिंग निकालनी है, टाइम की जगह 1, आर सी पता है, क्यू नॉट पता है, मैक्सिमम चार्ज, आंसर ये आएगा नहीं, आपको ऐसे ही आंसर गिवन होगा पेपर में, ई की फॉर्म में गिवन होगा। जैसे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, ईएमएफ पता है, थ्रू रेजिस्टर ऑफ आर पता है, इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर रेजेस टू 4 वोल्ट, बोलो चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, रेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो चार्ज, बढ़ रहा है तो चार्जिंग है, तो इतने टाइम में फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, चार्जिंग का फॉर्मूला है, तो एक काम क्यों नहीं करते, दोनों को सी से डिवाइड कर लें, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, और ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है, तो आप फॉर्मूला रजिस्टर में ये भी कॉपी कर सकते हैं, वी का फॉर्मूला चार्जिंग के दौरान, इंस्टेंटेनियस वी का फॉर्मूला मैक्सिमम वोल्टेज है 1 - e^-t/RC, ये भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर अभी वोल्टेज कितनी है, 4 है, मैक्सिमम कितनी है इसमें, 12 है, आपको टाइम की वैल्यू पता है, आपको आर पता है, आपको सी निकालना है, फिर मैथ लगेगा, फिर एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करके कैपेसिटेंस निकलेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता, बट जो भी आएगा इसका छोटा वर्जन ही आएगा, एटलीस्ट पेपर में सॉल्व हो जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिर्फ यही चेक करना है, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग और कुछ नहीं चेक करना, जैसे ऐसा आता है, ऐसा आता है पेपर में, ये देखो कैपेसिटर इज चार्ज टू 50 वोल्ट इज डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग, साफ कह रहे डिस्चार्जिंग है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ड्रॉप टू 1 वोल्ट, था कितना 50, अब कितना हो गया 1, टाइम पता है, तो कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जब टाइम जब 20 सेकेंड है
तो 10 सेकेंड पे पोटेंशियल एक है, 20 सेकेंड पे पोटेंशियल निकाल लें। तो एक काम करते हैं, डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला सी से डिवाइड किया, ये वी नॉट है, वी बन गया, फॉर्मूला नोट कर सकते हैं डिस्चार्जिंग में वी का ये फॉर्मूला। अब ये अप्लाई करें, डिस्चार्जिंग में पहले केस में पोटेंशियल एक वोल्ट हो गया, मैक्सिमम 50 था जब टाइम 10 है, यहां से ई की पावर माइनस 10 बाई आर सी की वैल्यू आ गई। फिर सेकेंड केस में कह रहे हैं मुझे पोटेंशियल निकालना है, मैक्सिमम 50 है जब टाइम 20 है, 10 की जगह 20 कर दो, 20 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1/50, इसका स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल लॉ की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये शीट आपने, जो मेंस के लोग हैं, नॉन मेडिकल वाले, ये शीट अपलोड कर रहा हूँ मैं, ये आपने करनी है। इसमें कुछ ना एडवांस की प्रॉब्लम भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं तो आप कुछ ना करें, प्रीवियस ईयर पेपर तो है आपके पास, बस आप वो कर लें, इसमें तो लेवल ज़्यादा है। रुक जाओ, एक क्वेश्चन हो रहा है, आप वो कर लें, बात बन जाएगी। आपका एट्थ क्वेश्चन में फिगर मिसिंग है, फिगर बना लें एट्थ क्वेश्चन में। ये नीट और मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत आता है क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि फर्स्ट केस में, पहले केस में आपको C1 C2 R1 R2 गिवन है, टाइम कांस्टेंट निकालना है। पता है क्या करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, तो टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। ऐसी इसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आंसर, इसके अंदर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आंसर, सिंपल है। तो अगर बहुत सारे R, बहुत सारे C हो और टाइम कांस्टेंट निकालना हो, तो R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो आंसर आएगा, तो आंसर नहीं आएगा। ये रहा डायग्राम,